23 नवंबर। नहीं, 20। ओके, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट चैंटिंग ओंकारम। सारा, अच्छा मैंने पूछा था 23 नवंबर मैम। 23 नवंबर, आज किसका बर्थडे होता है? किसी ने बोला बर्थडे होता है? हाँ होता है ना किसी का बर्थडे। सोचो सोचो। गुरु नानक जी का? नहीं ना, अपने स्कूल में हम क्या मनाते हैं, किसका बर्थडे मनाते हैं? मैम साई बाबा का। आज बाबा का बर्थडे है। अगर आप लोग अभी स्कूल में होते तो आप लोग को भी मिठाइयाँ मिलती, आप लोग को भी प्रसाद मिलता, आप लोग भी भजन गाते। अभी आप लोग सबकी तरफ से हम लोगों ने भजन गाए हैं, इसीलिए हम लेट हो गए थोड़ा सा। ठीक है, और सुनाइए, आज हम लोग क्या कर रहे थे? मैम सब्जी की रेसिपी। सब्जी की रेसिपी। ओके मैम, चाय की। चाय की रेसिपी। चाय की रेसिपी, दाल, लस्सी। चाय बनाने की विधि मैंने बोला था। हाँ मैंने बोला था कि आपको चाय बनाने की विधि देखनी है, ये सब आपको पता करना है। बोला था, कितने बच्चों ने ढूंढ लिया? मैंने लिख दिया, युवराज ने। युवराज ने लिख लिया, वेरी गुड युवराज, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी लिख लिया। अच्छा ठीक है, अभी मैं पूछूंगी, एक मिनट रुक जाइए बस, अभी मैं आप सब से ये वाले प्रश्न पूछूंगी, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक सेकंड। चलिए ओके, हाँ चलो किताब खोल लीजिए सारे बच्चे। हम किस पेज नंबर पर हैं बेटा? चाय बनाने की विधि तो हमने पता कर ली। 89। ओके मैंने बोल, अब ये प्रश्न कौन पढ़ेगा? रोटी बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है? शिवम पढ़ेंगे। शिवम किताब खोल लीजिए बेटा। यस मैम। पेज नंबर 89 पढ़िए। पेज नंबर 89 खोल करके उसपे ये है ना, रोटी बनाने के लिए ये वाला प्रश्न पढ़िए। रोटी बनाने लिए कितनी, कितना, कितना और कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सांबर, सानना, सांबर नहीं सानना, सांबर कहाँ से आ गया? रोटी में सांबर कहाँ से आ जाता है? बेलना। शिवम घर पे किताब पढ़ते नहीं है, इसका मतलब गलत बात। शिवम, शिवम घर पे किताब पढ़ा कीजिए, फिर हिंदी पढ़ना नहीं आएगा आपको। ठीक है, हाँ सानना, आगे पढ़िए। आटी। आड़ी। हाँ आगे पढ़ो। पटा। करो। और लिखो। इन्हें बनाने के क्या करना पड़ता है? अच्छा ये बताइए, अब हम पढ़ रहे हैं रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे रोटी बनाने के लिए हमको सानना पड़ता है, बेलना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है उसको,
तवे पर डालना पड़ता है, फिर आग पर फुलाना पड़ता है, और गरम गरम हम क्या करते हैं, फिर जो बन जाता है तो उसको खाते हैं। खाते प्लीज ये रेज हैंड अनंत वर्मा नहीं खेलिए प्लीज बेटा, ठीक है? ये ऑप्शन आ गया है माना, लेकिन आप इसको बार बार खेलिए नहीं, ठीक है? तो पता करना है कि हमें इन्हें बनाने के लिए कुछ चीजें बताई गई हैं, इन्हें बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता। अब चाय बनाने के लिए कौन बताना चाहेगा? अर्जुन बताइए, चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता, चाय कैसे बनती है? हमें सबसे पहले एक कटोरा कटोरा वाला लेना है, हाँ हाँ, और जिसमें भी हम चाय बनाते हैं भगोनी, हाँ भगोनी में पानी डालना है, हाँ, उसके बाद उसमें चाय पत्ती और चीनी मिलानी है। आपको गैस नहीं चलाना है, कहाँ रखेंगे इसको? गैस भी चलाना, हाँ, है। गैस पर तो रखेंगे, सबसे पहले तो गैस पे रखेंगे। नीचे अगर हम चाय पानी में चाय पत्ती और चीनी डाल देंगे तो थोड़ी होगा, चाय थोड़ी बनेगी। सबसे पहले हम पानी को भगोनी को किस में रखेंगे, जो भी बर्तन है उसको किस पर रखेंगे, गैस पे, गैस पर रखेंगे, उसमें पानी डालेंगे, हाँ, चाय पत्ती डालेंगे, हाँ बेटा, चीनी मिलाएंगे और हाँ, एक मिनट बाद उसको होने देना है, उसके बाद हमारी चाय रेडी है। तो आप ब्लैक टी पियेंगे कि आप दूध वाली चाय पियेंगे? कैसी चाय पीना पसंद करते हैं आप? मैम उसे दूध नहीं डाला। हाँ यही तो पूछ रही। नहीं बेटा, कुछ लोग ब्लैक टी भी पीते हैं, आजकल ब्लैक टी पीने का भी रिवाज है, ये ब्लैक टी कहलाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी चाय पीते हैं कि चाय पानी लेते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं और उसको छान लेते हैं और पीते हैं। और कुछ लोग क्या फिर क्या करते हैं, पानी दिया, चाय पत्ती डाला, शक्कर डाला और फिर उसमें अदरक, अभी क्योंकि ठंड का मौसम है तो सब जगह अदरक अवेलेबल है बहुत इजीली, तो अदरक डालते हैं। उसके बाद फिर हम उसको थोड़ी देर खोलने देते हैं, खोलने के बाद फिर हम उसमें दूध डालते हैं और चाय को थोड़ी देर और खोलाते हैं। खोलाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको कप में छानते हैं और फिर गरम गरम पीते हैं कि ठंडी करके पीते हैं? कौन कैसे पीते हैं? गरम गरम अनंत वर्मा बताएंगे क्योंकि अनंत वर्मा ने हाथ रेस कर रखा है। अरे अनंत, आप चाय पीते हैं क्या? मैम गरम गरम, ओके। ठंड में ना थोड़ा सा गरम गरम चीजें खानी चाहिए आपको, ठीक है? लेकिन ये नहीं कि बहुत खोलता हुआ भी, खोलता हुआ चीज नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मुंह जल जाएगा। ओके चलिए, अब सेकंड पर आते हैं सब्जी बनाने के लिए। सब्जी बनाने के लिए कौन बताएगा अपनी पसंदीदा सब्जी, जो आपको मैंने बोला था कि आपको अपने, हाँ युवराज बताएंगे, युवराज ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया। युवराज अपने पसंदीदा सब्जी के बनाने की विधि सबको बताएंगे कि कैसे बनती है। पहले युवराज ये बताएंगे कि उनकी पसंदीदा सब्जी है कौन सी। पालक पनीर मैम, पालक पनीर, हाँ देखिए, अब युवराज आप सबको पालक पनीर बनाना सिखाएंगे तो इससे सारे बच्चे पालक पनीर बनाना सीख जाएंगे, ठीक है? जिसको नहीं आता है, हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए, पनीर हमें खाना चाहिए, तो देखो युवराज बहुत अच्छे से सिखाएंगे। आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिए, बताइए युवराज। बनाने की सामग्री फल, पालक, टमाटर, सायरा युवराज आवाज नहीं आ रही है बेटा, अदरक, लहसुन, प्याज, युवराज आपकी आवाज कट रही है बेटा, लाल मिर्च, जीरा, सबसे पहले
सबसे पहले पालक सब साफ करते हैं, फिर धोकर उबाल लेंगे और टमाटर भी उबालेंगे, फिर दोनों को पीस लेंगे। ओके। आप अब तेल में जीरा प्याज अदरक लहसुन हल्दी मिर्च धनिया नमक डालकर भूजेंगे, फिर उसमें पालक टमाटर का पेस्ट डालेंगे, पनीर डालेंगे, बहुत देर तक पकाएंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। पालक पनीर तैयार है। पाल देखिए, युवराज ने सबको पालक पनीर खिला दिया सुबह सुबह बाबा के बर्थडे के दिन। कितना अच्छा काम किया सबने। पालक पहले चाय पी लिया सबने, तो थोड़ा सा फ्रेश हो गए, उसके बाद सबने क्या किया, पालक पनीर। अब कोई और कुछ सब्जी बताना चाहेगा? मैम हमने तो नकली में खाया, असली में खिलाओ। तो बेटा असली में कैसे खिलाए? असली में तब खिलाएंगे जब आप स्कूल आएंगे, अभी तो आप वर्चुअली खा लीजिए, ऐसे ही खा लीजिए, ठीक है? अपने अपने घर में रह करके खा लीजिए, घर का ही खाइए, लेकिन बाहर का नहीं खाइए। मैम आप सब अपने घर पे बनाना। मैम बहुत टेस्टी बनाए, टेस्टी। हाँ देखो युवराज बता रहे कि बहुत टेस्टी भी बना है, उन्होंने अपने घर पे बनाया है। कोई और सब्जी बनाना सिखाना चाहेगा? नहीं किसी ने भी? यस मैम, देवादित्य। देवादित्य पहले तो आप कैमरा ऑन कीजिए, मैं आपका ये आइकॉन नहीं देखना चाहती, ये पता नहीं कौन सा। हाँ फेस दिखाइए ठीक से। चलिए बोलिए बेटा। मेरी पसंदीदा सब्जी है छोटे आलू की सब्जी। छोटे आलू की सब्जी, अच्छा। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इसमें बताया। हाँ बताइए। सबसे पहले आलू को बारीक काट कर कढ़ाई में ऑयल डालो, ऊपर से राई डाल दो, उसके बाद कटे हुए आलू डाल दो, नमक और नमक मिर्ची डाल के हरा धनिया काट के डाल दो। अच्छा आपको पसंद है ऐसी सब्जी? हाँ। आपने सब्जी को तो गैस पे चढ़ाया ही नहीं, ये तो आपने बताया ही नहीं कि सब्जी को नमक डाला और नमक भी नहीं डाला आपने। कढ़ाई को आपने गैस पे तो रखा ही नहीं, नीचे ही रख दिया। नमक नहीं डलता उसमें। नमक नहीं डलता उसमें बेटा, सब्जी में नमक नहीं डलेगा तो कैसे खाएंगे? आपको अच्छा लगता है? नमक के बिना क्या कोई खाता है बेटा? नमक के बगैर कोई भी सब्जी में स्वाद नहीं आता, ठीक है? चलिए अगला है दाल बनाने के लिए। कौन बताना चाहेगा? चलिए देवांशी बताएंगे। बताइए देवांशी। मैम दाल को उबालेंगे। कौन सी दाल को? पहले वॉश करेंगे दाल को, फिर उसको कुकर पे डालेंगे, गैस चलाएंगे, उसके हरी मिर्ची डालेंगे, धनिया डालेंगे, अदरक डालेंगे और फिर तड़का राई डालेंगे और फिर तड़का दे देंगे। हाँ देखिए इन्होंने दाल बनाने की विधि बताई आपको। और कोई बताना चाहेगा अलग विधि? शिवम आपके यहाँ दाल नहीं बनता है? शिवम जी हाँ, कैसे बनाती है मम्मी दाल, पता है आपको? नहीं पता? अब आप सीख के रखना, ठीक है? अच्छा हलवा बनाने की विधि किसी को पता है? मैम शिवन्या मीना।
अच्छा ठीक है, चलिए शिवन्या के बाद पीहू बताएंगे। चलिए शिवन्या। हमारे आटे का हलवा पसंद है। हमारे को नहीं, हमें हमें हमारे को नहीं हमें। यस मैम, पहले तवा लेंगे फिर तवा गैस चालू करेंगे। तवे में थोड़ी बनाते हैं हलवा, कढ़ाई में बनाते हैं। हाँ, पहले कढ़ाई लेंगे फिर गैस चालू करेंगे फिर आटा डालेंगे, आटे को थोड़ा सेकेंगे फिर पानी डालेंगे फिर घी नहीं डालेंगे। हाँ घी डालेंगे फिर पानी डालेंगे उसको थोड़ा से मतलब ऐसे घुमाएंगे फिर चीनी डालेंगे फिर से तारेंगे फिर बन गया। ओके ठीक है, फिर मैं किसी और पीहू से भी सुनते हैं। पहले गैस में कढ़ाई, मैम पहले कढ़ाई गैस में रखेंगे फिर उसमें घी डालेंगे। वेरी गुड। घी डालेंगे फिर उसमें सूजी डालेंगे फिर उसको भूनेंगे जब तक वो भूरा नहीं हो जाता। हाँ, उसका रंग नहीं बदल जाता हल्का सा। वेरी गुड, सही बता रहे हैं। फिर उसमें काजू बादाम किशमिश डालेंगे फिर उसको और भूनेंगे फिर उसमें चीनी और पानी डालेंगे फिर उसको और भूनेंगे फिर मेरा हलवा बनके तैयार हो जाएगा। फिर हम उसको प्लेट में डाल के उसका आकार दे देंगे और उसको गरम गरम खाएंगे, ठंडा करके नहीं खाएंगे। हलवा तो गरम गरम अच्छा लगता है। देखो सबका मुंह मीठा भी हो गया, हो गया कि नहीं। मैं अंशमीना को करना। हाँ अंशमीना भी बता दीजिए, लाइए अंशमीना बताइए बेटा। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे फिर वो गैस पर रख कर उसमें घी डाल कर जब वह गर्म हो जाए तो आटा डाल दे फिर उसको ब्राउन होने तक चलाए उसको उसके बाद पानी डाल लेंगे फिर शक्कर डाल कर घी डाल के फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको गरम गरम इसमें डाल कर गरम गरम खिलाएंगे और खाएंगे भी। खिलाएंगे ही नहीं, खाएंगे भी गरम गरम। ठीक है, अब आगे लस्सी बनाने की विधि कौन बताना चाहेगा? किसी को पता है लस्सी कैसे बनती है? अच्छा, दही को लिया जाता है, उसको फेंटा जाता है मथनी से शक्कर डाल करके उसको और फेटा जाता है। ठीक है, फेटने के बाद उसमें आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो और आपकी लस्सी तैयार। आजकल रई वाला काम खत्म हो गया, मथनी वाला। किसी के घर में है क्या मथनी? ऐसे हाथ से फेटते हैं। हाँ पीहू लेके आओ जरा। देखो पीहू ला रही है, पीहू सबको दिखाएंगी रई क्या होती है, मथनी क्या होती है। और आजकल तो ब्लेंडर आ गया है, दही में ब्लेंडर चलाते हैं मशीन से उसे। हाँ देखो 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 ये दिखा रही है देवांशी। देखिए देवांशी के पास में देखो, दिखते आप सबको क्लियर? ये होती है रई या मथनी। और किसके यहाँ देखो दिखा रही है? वेरी गुड। हाँ और कौन? अनंत वर्मा दिखा रहे हैं। अनंत वर्मा कहाँ गए? हाँ अनंत वर्मा तो बहुत सारा दिखा रहे हैं। वेरी गुड, देखिए अनंत वर्मा मेरे पास जयपुर में है। वेरी गुड अनंत वर्मा। ठीक है, और एक ये होती है मीठी लस्सी और एक होती है खारी लस्सी, मतलब नमकीन वाली लस्सी। उसमें हम नमक मिलाते हैं शक्कर की जगह और उसमें कुछ मसाले भी मिलाते हैं। ठीक है, चटपटा छाछ जिसको कहते हैं। हाँ आपने जब कहीं सफर कर रहे हो तो आपने ये इसके सांची के पैकेट्स देखे होंगे, छाछ के देखा है क्या? किसी ने पिया है? रस में।
बहुत मिलते हैं मैम, हमारे मंदिर में भी हाँ यू अर्जुन 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 के लिए नहीं बेटा, बैठ जाइए, हाथ में लग जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, आसपास पेज नंबर 90 90 खोल लीजिए, 90 सबने खोल लिया। अर्पित जी कैमरा ऑफ ऑन ऑन, और देखिए अर्पित, शिवम, देवादित्य, पायल, अनिरुद्ध जैन, सानवी, ऋषिका, अथर वर्मा, अंश, मीना, इलेश, माधव और कविश, इतने सारे बच्चों का कैमरा बिल्कुल, आयुषी कैमरा ऑफ रहता है, गलत बात है। हम थोड़ी देर के लिए क्लास पढ़ क्लास में आते हैं तो कम से कम मैम पेज नंबर ऑन है 90 90 90, ये बोलना कोई एक्सक्यूज नहीं है अर्पित, अभी ऑन है, इससे पहले आपने बंद कर रखा था, अभी सारे बच्चों का ऑन हो गया जैसे मैंने नाम लिया, फिर भी माधव, अंश, मीना, अथर वर्मा का नहीं ऑन है, आयुषी का भी नहीं ऑन है, देवादित्य, दिव्यांश, देवांशी, युवराज, आप अपने घर का नेटवर्क इश्यू देखें बेटा, अब तक कैमरा बिल्कुल ऑन नहीं है, गर्वित का भी है। अब ध्यान से सुनिए, आसपास कौन पढ़ेगा आसपास का, मानसी पढ़िए, पढ़िए बेटा मानसी, मानसी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, युवराज युवराज बीच में नहीं, युवराज गलत बात है, बीच में नहीं बोलना है युवराज, मानसी आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी, अथर वर्मा पढ़िए, कविश कहाँ जा रहे हैं आप, मैम हम बस में इसलिए हमने कैमरा बंद कर रखा है, आप कहाँ जा रहे हैं, मैम उदयपुर, अच्छा ठीक है, अथर वर्मा कैमरा बंद है, चलिए अर्जुन आप पढ़िए, जिसका कैमरा ऑन है वो पढ़े, अथर वर्मा पढ़िए, हम गेहूं पिटवाने आटा चक्की पर जाते हैं, हम इन कामों के लिए कहां जाते हैं, बताइए हम इन कामों के लिए कहां जाते हैं, आटा खरीदने, रुक जाइए अब मैं ना इसका स्क्रीन शेयर करती हूं फिर मैं आपको बताती हूं, एक मिनट, हम आटा खरीदने कहाँ जाते हैं बेटा, परचून की दुकान पर, ठीक है, कहाँ खरीदने जाते हैं, राशन, जिसको आप राशन की दुकान बोलते हैं ना, वहां पर। अब अगला शिवम बोल पढ़िए, क्या है, आटा खरीदने हम कहाँ जाते हैं, परचून की दुकान पर, और दूसरा क्या है शिवम, परचून बनान, दूसरा पंचर बनवाने, पंचर बनवाने के लिए किसके पास जाते हैं, पंचर वाले, पंचर बनवाने वाले, बनाने वाले, बनवाने वाले की दुकान पर, ठीक है, दूध खरीदने कहाँ जाते हैं हम, डेयरी पर, डेयरी पर, वेरी गुड, जूते की मरम्मत करवाने, मोची के पास, वेरी गुड, मोची के पास, सुराही खरीदने, कुम्हार के दुकान पे, कुम्हार के पास, वेरी गुड, कॉपी किताब खरीदने, स्टेशनरी, स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं, स्टेशनरी पर जाते हैं हम, कहाँ जाते हैं, स्टेशनरी पर जाते हैं, ठीक है, कहाँ जाते हैं, स्टेशनरी पर, ठीक है, बाल कटवाने, दुकान पर, वेरी गुड, दुकान पर अपनी किताबें भर लीजिए, आटा खरीदने परचून की दुकान पर, पंचर बनवाने, पंचर बनवाने, पंचर बनाने वाले के पास, इसको बनाने वाले कर लीजिए, ठीक
श्लोक पंचर बनाने वाले की दुकान पर दूध खरीदने कहाँ जाते हैं हम डेयरी पर जूते की मरम्मत करवाने बेटा ये थोड़ा सा नीचे नीचे आया है नीचे नीचे सुराही खरीदने कुम्हार के पास स्टेशनरी पर बाल कटवाने नाई की दुकान पर लिख लिया सबने नो मैम ना लिख लीजिए आराम से लिख लीजिए आराम से लिख लेने दीजिए बाकी आपका हो जाए तो आप लोग बताते जाइएगा हो गया करके डन डन करके मैम डन डन किसका किसका सबका हो गया मैम डन हो गया यस मैम मैम डन विद जेनिस डन देवांशी ओके अब अगला पढ़िए अगला कौन पढ़ेगा प्रश्न अगला प्रश्न कौन पढ़ेगा स्नेहल स्नेहल बेटा अगला प्रश्न पढ़िए अपने घर के पास किसके आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहां क्या क्या पिसता है पिस्ता। आटा चक्की किस चीज से चलती है दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है अच्छा ठीक है अब अगला प्रश्न है बेटा एक मिनट इसको बंद कर देती हूँ आप सबको अपने पास के आटा चक्की वैसे अगर कोविड नहीं होता तो हम सब क्या करते ये वाला कार्यक्रम बहुत ये वाला जो प्रश्न है इसको सब बहुत अच्छे से कर पाते सब आटा चक्की पे चले जाते और वहां पता कराते लेकिन अब क्योंकि कोविड है और आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है स्पेशली छोटे बच्चों को तो आप लोग क्या करेंगे जो अपने घर के बड़े हैं उनसे पूछ करके आप मुझे बताएंगे अगली बार कि वहां क्या क्या पिसता है आटा चक्की पर ठीक है आटा चक्की किस चीज से चलती है किस चीज से चलती है कोई बता सकता है क्या मैम लाइट से बिजली से चलती है ठीक है दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है ये आपको जैसे पापा कभी बाहर जाए चक्की बेटा आपको पापा कभी बाहर जाए या मम्मा कभी बाहर जाए तो उनसे पूछना है वो इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे तो अगली बार हम इन प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करेंगे ठीक है आप लोग बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे मैम एक चीज कहना हाँ बोलिए गुरविंद जी मैम हमारे पड़ोसी में ये चक्की की दुकान में मास्क लगा के चला जाऊंगा नहीं बिल्कुल नहीं जाना आप मास्क लगा के भी नहीं जाना पापा जाते होंगे ना गेहूँ पिसवाने के लिए तो पापा से पूछ लीजिएगा बिल्कुल आप नहीं जाइएगा बेटा छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं जाना है छोटे बच्चों आपने शिवम और अनंत वर्मा आपने क्वेश्चन को मेरे ध्यान से सुना नहीं मैंने क्या बोला था मैंने कि अगली बार हम डिस्कस करेंगे आप पता करके रखिएगा बताया है ना बेटा तो आपको अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे अब हम मैं एक बार और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो हम ये वाला प्रश्न पढ़ेंगे देखिए वो आयुषी पढ़ेंगे इस प्रश्न को आयुषी तैयार है बेटा आप यस मैम ठीक है कैसे बनेगी रुकिए हाँ मैं आपको स्क्रीन शेयर तो करूँ चलिए पढ़िए हाँ कैसे बनेगी रोटी रसोई की कुछ चीजें के चित्र बने हैं उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं होती तो उसे
तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल इस्तेमाल किस काम के लिए किया किया जाएगा लिखो। हाँ, नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं, ठीक है, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं होती हैं। अब मुझे इसमें से बताइए, आपके पास सामने चित्र दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अब उसमें से आपको ये बताना है कि रोटी बनाने के कौन कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती है। कप प्लेट, कप प्लेट का इस्तेमाल, कप प्लेट का इस्तेमाल किस में करते हैं हम? चाय पीने के लिए। लिखिए कप प्लेट चाय पीने के लिए, लिखिए कप प्लेट चाय पीने के लिए। एक मिनट रुकिए जरा, एक एक बच्चा एक एक चीज बोलेगा। मैम चम्मच, ये बीच में अंशमीना, 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 वेरी बैड। पीहू, आयुषी, देवांशी, पायल, ये इतने सारे बच्चों का माइक अनम्यूट है, वेरी बैड। गलत बात है, एक बच्चे की आवाज सुनाई देगी तो फिर सब सुन पाएंगे। एक एक बच्चे करके बोलेंगे बेटा तो सबको समझ आएगा। कप प्लेट, अनंत वर्मा आपने लिख लिया? यस मैम। कप प्लेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मैम चाय पीने, चाय बनाने के लिए। हाँ, आपको क्या बनाना है इसमें? रोटी, रोटी। तो कि रोटी बनाने आपको क्या बताओ, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो आपको ये बताना है कि रोटी बनाने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती है। तो एक तो आपने बताया कि कप प्लेट, कप प्लेट रोटी बनाने के इस्तेमाल नहीं होती, और दूसरा क्या है फिर, कौन बताना चाहेगा? हाथ ऊपर कीजिए। अचार, 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 अचार की बोतल क्या करते हैं हम? अचार का क्या करते हैं? हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, अचार हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए अचार। उसके बाद तीसरा क्या? कढ़ाई, सब्जी बनाने के लिए। हाँ, कढ़ाई, कढ़ाई किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? सब्जी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, वेरी गुड। मैम पूरी तलने के लिए, पूरी तलने के लिए, सही बात, पानी पीने के लिए। हाँ, लोटा दिया हुआ है। लोटे का इस्तेमाल हम दो तरह से करते हैं शिवम, हम ना लोटे के, कुछ लोग तो लोटे में पानी भर करके आटा भी गूंथते हैं, तो लोटे का इस्तेमाल तो होता है आटा गूंथने के लिए। दो लोटे है, एक भगोनी है जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, ठीक है, एक छोटा सा जो लोटा है ना, एक भगोनी जैसा है जिसमें हम सब्जी उब्जी बना करके रखते हैं, देखा है आपने? मैम, मैम, हाँ हाँ बोलिए पायल। मैम कटोरी चम्मच सब्जी बनाने की, कटोरी चम्मच, कटोरी चम्मच का इस्तेमाल अच्छा रोटी बनाने में होता है क्या? नो नो मैम, नहीं होता। सोचो जरा, ध्यान से सोचो जरा, रोटी बनाने के इस्तेमाल होता है ना जाजे डालने के लिए, क्या करने के लिए? नमक डालने के लिए चम्मच, नमक डालने के लिए। और चम्मच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब रोटी तैयार हो जाती है, जब आप रोटी गैस पे इधर जाते हैं, घी लगाते हैं, घी लगाते हैं, घी लगाने के लिए, वेरी गुड, घी लगाने के लिए। तो और क्या होगा, एक और बताइए। पूरी बनाने के लिए जो है ना, हाँ पूरी झरिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोग के यहाँ, पूरी बनाने वाली जो चम्मच है, छन्नी, छन्नी जिसको बोला जाता है। हाँ जारी।
और क्या इस्तेमाल होता है बताइए। एक पलटा भी है, पलटा है, चम्मच है, जिसको आप लोग डोसा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रोटी कलकने के लिए। अंशमीना आप बीच बीच में ना बोले बेटा, आवाज आ रही है आपकी। तो मैं परात में आटा सुनते हैं। हाँ तो आपको उन चीजों के नाम बताने हैं बेटा, रोटी बनाने में इस्तेमाल नहीं की नहीं होती है, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं होती है। ऐसी चीजें कहाँ पर है कटोरा? अच्छा वो भगोनी कढ़ाई के नीचे तो कटोरी है, वो कटोरी में तो हम घी रख करके चम्मच से घी लगा सकते हैं। परात का इस्तेमाल होता ही है, लोटे का इस्तेमाल होता है, तवा है, कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं होता है, कप प्लेट का इस्तेमाल नहीं होता है, भगोनी का इस्तेमाल नहीं होता है, चार की बोतल का, और वो एक जिसको आप लोग क्या बोलते हैं जिसमें पूड़ी निकालते हैं उस वाली चम्मच को आपके घर में क्या बोला जाता है? जिसे मम्मी पूड़ी खाते क्या निकाला जाता है, उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? हाँ पूड़ी बनाने के लिए। ठीक है लिख लिया आप सबने? कितने बच्चों ने लिख लिया? कोलकाता में बोल दिया। क्या बोल दिया आपने? कोलकाता में झाजरा झाजरा। पलटा। हाँ हाँ बोलिए शिवन्या। एक तो कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन नहीं है बच्चा आपका। मैम ऑन है। हाँ बोलिए मैम हमको ये चीज। शिवन्या आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। मैम हमको एक चीज मिली थी है। क्या? मुझे बेटा आपका कैमरा दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहे हो आप। मैम साईं बाबा की फोटो। मैम आप दिख रहे हैं? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं दिख रहे हो आप आज। ठीक है मुझे कौन कौन दिख रहा है पता? युवराज, अनंत वर्मा, पीहू, अथर वर्मा, आयुषी, अर्जुन। आज अर्जुन मुझे पूरे टाइम दिखे हैं बिल्कुल। अर्जुन जहाँ बैठे हैं ना आज से वहीं बैठेंगे, बहुत अच्छा नेटवर्क है आपके यहाँ का। अब आज मुझे पूरे टाइम दिखे हो, वेरी गुड बेटा। हम दूसरी जगह पर आए चले। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी बेटा आपके यहाँ नेटवर्क इशू नहीं है, यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है आपको। बहुत सारे बच्चे नहीं दिख रहे शिवम, नहीं दिख रहे सानवी भी नहीं दिख रही है बेटा, अंशमीना भी नहीं दिख रहा। नहीं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आ गया, आप लोग लिख लेंगे? कितने बच्चे नहीं लिख पाएंगे हाथ रेज हैंड कीजिए। अच्छा सब लिख लेंगे, वेरी गुड। चलिए एक कविता और पढ़ लेते हैं, आगे सर्दी आई सर्दी आई, वैसे भी सर्दी आ ही गई है तो हमने कविता सब बच्चे अनम्यूट कर लेंगे तो कोई नहीं पढ़ पाएगा और पूरा टाइम सिर्फ मैं ही निकल जाएगा। एक एक करके सब पहले अनंत वर्मा ने हाथ ऊपर किया है तो पहले अनंत वर्मा, जिसने हाथ ऊपर पहले किया वही सर। जल्दी जल्दी पढ़िए फटाफट, कल अगली क्लास आई। ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लाडे देर से कपड़े। अच्छा एक मिनट रुक जाइए अंश, अनंत वर्मा एक मिनट रुक जाइए। आज एक काम करते हो, मैं पढ़ती हूँ, अगली कक्षा में आप सब लोग पढ़िएगा। ठीक है ठीक है ना, अगली कक्षा में सारे बच्चे पढ़ेंगे।
शिवम अच्छे बच्चे हो ना, बात मारते हो ना बेटा, अगली कक्षा में सारे बच्चों के टाइम हो रहा है बेटा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? ठीक है शिवम। सर्दी आई सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकुड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं हांफ रहे हैं, धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी घर में सर्दी, पैर में सर्दी सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए सर्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, चाड़ा है मौसम बेदर्दी। सही बात है कि नहीं? इसमें हमको ठंड के मौसम में कितने कपड़े पहनने पड़ते हैं, और हम सब कैसे बैठते हैं, वैसे तो हम आराम से बैठते हैं और ऐसे टाइम पर ऐसे सिकुड़ सिकुड़ के बैठते हैं, खूब सारे कपड़े पहन लेते हैं और हम अपना वजन बढ़ा लेते हैं, क्यों? खूब सारे कपड़े पहन पहन करके। अभी तो थोड़ी और ठंड बढ़ जाएगी तो हम टोपी भी पहनेंगे, स्कार्फ भी लगाएंगे, अंदर इनर वियर, ऊपर से। अच्छा वेरी गुड, अगली कक्षा में मैं बिल्कुल सुनूंगी आपसे। ठीक है, क्योंची मल और कैसे कैसरिया का हो गया पाठ, ठीक है? इसी के साथ वो पाठ खत्म होकर के हमने सर्दी आई कविता पढ़ेंगे और अगली कक्षा में मीरा बहन और बात भी पढ़ेंगे। मैं और ठंड लगने लगी। आप सब बच्चे तैयारी करके आएंगे सर्दी आई कविता। मैम नो मैम। आप सब लोग तैयारी कर लेंगे ना तो आप लोग को गर्मी आने लगेगी, थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगेगी, ऐसे सिकुड़ी सिकुड़ी जो चाल है ना आपकी, आप सब लोग बिल्कुल अच्छे से बैठ जाओगे, फिर ठंड नहीं लगेगी। मैम कैसे? हाँ अभी सानवी दिख रही है, सानवी साईराम सानवी। अच्छा लगता है बच्चों को देखने से, ठीक है? चले शांति पाठ करें बेटा। शांति शांति शांति। सायराम सायराम मैम थैंक यू सायराम बेटा सायराम।